पहले किसानों को तो पहले भी फिलिस्तीन बता दिया गया था, तो फिलिस्तीन, खालिस्तानी, ये सारे आपको नाम दिए गए थे, पहले भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी जिन्होंने माफ़ी मांगी पूरे देश के सामने, पहलवानों की बात है, सम्मान की बात है, सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, और इस न्याय के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो चाहे बलिदानी देनी पड़े, पहले भी 750 किसान बलिदान हो चुके हैं, आगे भी अगर बलिदान हो जाएंगे कोई बात नहीं। हम CCN न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और राकेश टिकैत जी के आह्वान के बाद यहाँ पर लाखों की संख्या में लगातार किसान पहुँच रहे हैं पहलवानों के समर्थन के लिए, और जो हमारे देश की गौरव शान बेटियां हैं उनको लगातार देश नहीं विदेशों से भी अब तो समर्थन मिलने लगा है। और मेरे साथ अब एक किसानों का जत्था है, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कहां से आए हैं और किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं बेटियों का। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रमोद सरायगासी नाम है, भारतीय किसान संगठन एकता से हम लोग हैं, पूरी टीम है हमारी। जी, कहां से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश से हम आए, उत्तर प्रदेश जी के द्वारा आपको क्या आह्वान किया गया है? टिकैत जी के द्वारा जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का किसानों के लिए आह्वान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरने में पहुँचें और आगे जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ने के लिए जो भी पंचायत में फैसला होगा उसको हम सब लोग किसान लोग मानेंगे। तो किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? समर्थन हम धरना देंगे जगह जगह, जितने भी जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में हम ज्ञापन देने का काम करेंगे, शासन प्रशासन को चेताने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे कि हमारी बेटियों को, हमारे पहलवानों को न्याय मिले, उसके लिए हम लगातार बराबर धरना देना पड़ेगा अगर जिलों में, तो हर जिले में धरना भी देंगे हम लोग। टिकैत जी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, यदि 15 दिन में भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? 15 दिन में कोई कार्यवाही नहीं होती है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो किसान लोग हैं, हम फसल का 6-6 महीने इंतजार करते हैं, हमने पहले 13 महीने में अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी हमने 13 महीने बलिदानी दिए काफ़ी किसानों ने, तो अभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, लेकिन जो भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान होगा, जिस तरह जो भी आदेश होगा हम सब लोग उस आदेश को मानेंगे। लेकिन किसानों को आज के टाइम पे जनता ऐसे कह रही है कि ये जो पूरा धरना है ये केवल राजनीति है, अब तो WFI भी पूरी तरह से भंग हो चुकी है, अब इस धरने को उठा लेना चाहिए कहा जा रहा है। नहीं, अभी पहले किसानों को तो पहले भी फिलिस्तीन बता दिया गया था, तो फिलिस्तीन, खालिस्तानी, ये सारे आपको नाम दिए गए थे, पहले भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी जिन्होंने माफ़ी मांगी पूरे देश के सामने, लेकिन उन्होंने माफ़ी इस प्रकार से मांगी थी कि शायद मैं अपने देश के किसानों को समझा नहीं पाया मैं करना क्या चाहता था, उन्होंने अपनी गलती इस प्रकार से नहीं मानी थी कि 3 काले कानून गलत थे। नहीं नहीं, और जब आप बैकफुट पे आए, जब आपको चुनाव आया, तो चुनाव आने के बाद में तब आपको लगा कि हम कहीं ना कहीं सरकार गलत है, तो किसान तो तभी भी उसी मामले पर है, बराबर लगातार हमने तो विरोध किया, आज भी किसान कहीं गया थोड़ी है, हम लोग कहीं चले थोड़ी गए, आज ही वही किसान है, वही फिर से एकत्रित हो जाएंगे, कहीं भाड़े पे थोड़ी आएंगे हम लोग, हम फिर एकत्रित हो जाएंगे। अभी जो हमारा मामला है ये किसान की बेटियों का, किसान के पहलवानों का, कहीं ना कहीं देश के इतने बड़े गौरवान्वित पहलवानों की बात है, सम्मान की बात है, सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, और इस न्याय के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो चाहे बलिदानी देनी पड़े, पहले भी 750 किसान बलिदान हो चुके हैं, आगे भी अगर बलिदान हो जाएंगे कोई बात नहीं। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी देशद्रोह किया जा रहा है यहाँ पे, जिस प्रकार से धरने पे बैठे हैं आप लोग, इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है भारत की। ये तो इनकी आदत होगी है बदनाम करने की, ये आदत इनकी गई थोड़ी है, ये तो आदत है इनकी बदनाम करने की, पहले भी इन्होंने खालिस्तानी, कहीं फिलिस्तीन बताया गया, कहीं राजनीतिक एजेंडे बताए गए, तो अभी भी ऐसे ही बता रहे हैं। जब हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, हम रोडों पे आना पड़ता है, तभी ये लोग कुछ ना कुछ बदनामी का सबब देते रहते हैं। शाहीन बाग से आप लोगों की तुलना की जा रही है अब शाहीन बाग के, अब ये तो कहीं इनका विवेक है अपना, जैसी इनकी बुद्धि है वैसा ही काम करेंगे ये लोग। अब कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR कट चुकी है 15 दिन पहले, अब दूसरा रेसलिंग फेडरेशन भी भंग कर दिया गया है, तो कर्नाटका चुनाव के बाद रेसलिंग फेडरेशन के भंग होने को किस प्रकार से देखते हैं आप लोग? नहीं, फेडरेशन भंग कर दिया है, लेकिन आप एक बात देखिएगा, एक छोटा सा अगर अपोजिट पार्टी का हो या कोई आम आदमी अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट गलत दे दे तो उसको उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है, सांसदी से हटा दिया जाता है, उसको जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन
और इतना बड़ा अत्याचार हमारी बेटियों के साथ, हमारे पहलवानों के साथ हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसकी ना सदस्यता भंग की है, ना उसे जेल में डाला है, ना उसकी कोई कार्रवाई की है। खाली फेडरेशन का जो उसको सदस्य भंग करने का, उससे थोड़ी काम चलेगा। आप इसको जेल डालिए पहले, अभी पावर बना हुआ है, इसकी पावर तो हटाइए, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है अभी तक। लेकिन पहले जो बेटियां थी वो यही कह रही थी, जब 3 महीने पहले बैठी थी, कि FIR कटवाई जाए, और इनकी दूसरी मांग थी कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्षता इनको हटाई जाए, पर अब ये चाह रही है कि सांसद की सदस्यता भी भंग की जाए। इसमें कहा जा रहा है कि ये एक राजनीति है, प्रोपेगेंडा है विपक्ष का। देखो, या तो सरकार इनको अपराधी मानती है या अपराधी नहीं मानती है। अगर अपराधी नहीं मानती है तो फेडरेशन की जो सदस्यता है वो खत्म क्यों की गई, रद्द क्यों की गई, FIR भी करी गई। लेकिन अब ये जब ये अपराधी है तो इस पर कार्रवाई इतनी तो की जाए कि इसको जितनी पावर है ये सब हटाई जाए। जब तक पावर नहीं हटेगी तब तक ये गलत इस्तेमाल करते रहेंगे पावर का अपनी का, तो इसलिए इनकी सदस्यता भंग करनी बहुत ज़रूरी है, सांसदी से इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। तो क्या लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी से है इस वजह से उन पर कार्यवाही नहीं हो पा रही, या किसी और प्रकार का दबाव है ब्रजभूषण का? अभी इसका जवाब तो सरकार देगी, ये सत्तारूढ़ पार्टी से, तभी तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग, सरकार के मंत्री या सरकार इनको बचाने में, इनके अपराधों को छिपाने में, इनकी नाकामी को छिपाने में लगी हुई है बराबर लगातार। देखिए, ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ सदस्य। आज देखिए 24-25 दिन हो चुके हैं धरने पे बैठे हुए, 42 से 45 डिग्री का टेम्परेचर आजकल दिल्ली में चल रहा है। उस बीच यहाँ पे जो पहलवान हैं, रात को सोना, खाना पीना, रोजमर्रा के जितने कार्य हैं वो यहीं पे कर रहे हैं। इससे पहले स्ट्रगल किया कि ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में जाके देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, ताकि देश का नाम आगे बढ़े, देश और ज़्यादा सम्मानित महसूस करे। सम्मानित महसूस भी कराए, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि 24-25 दिनों से 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर, जलते हुए आग में बैठे हुए हैं, और सरकार के अभी तक कान नाक नहीं खुले हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और कहा ये भी जा रहा है कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है, हित में कोई कार्य नहीं हुआ, अहित के लिए 36 बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। इस धरने को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, ताकि जो हमारे देश का गौरव शान बेटियां हैं वो और मोटिवेट फील करें और देश को और आगे रिप्रेजेंट कर सके। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद जी।